है कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली सदी का नाम बताइए, तो ये उत्तर अलग होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो नदी काट रही है वो हो गई आपकी माही नदी, एक ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेटर को काटने वाली नदी का क्या नाम है, तो आपका नाम, आपका उत्तर होगा कांगो, या इसी नदी को हम बोलते हैं ज़ायरे, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटने वाली नदी का क्या नाम है, तो इस नदी का नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो। और ये दोनों नदियां यानी कि कांगो और ज़ायरे, कांगो ज़ायरे ये और लिम्पोपो, ये दोनों नदियां अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं, अफ्रीका महाद्वीप, ये दोनों नदियां कहां बहती हैं, अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, वर्ड लोग आपको याद रखें। ठीक है, इंसानों ने अपनी सुविधा अनुसार पृथ्वी को एक जालनुमा आकृति में बांट दिया है, जिसे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कह देते हैं। ये किसी, ये अगर आसमान से देखेंगे तो, यानी कि स्पेस अंतरिक्ष से देखेंगे तो क्या पृथ्वी पर ये लाइनिंग में दिखेंगे थोड़ी ना, ये तो हमने केवल और केवल कागज के ऊपर अपने समझने के लिए उसको खींच लिया है। अगर एमपी में तो बेहतरीन बना हुआ है, वहां जहां से गुजरती है, नहीं वो तो एक तो पॉइंट बना दिया है कि भैया यहाँ से जो है वो लाइन गुजरती है, बीच एलिवेशन देखना, हाँ यहाँ से गुजरती है, तो वो तो एक पॉइंट बना दिया कि लाइन कहीं किसी ने कुछ दुनिया भाई अब देख रहे हैं विशेष के संबंध में उन्होंने पूछ लिया, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है। एक तो प्रश्न आपका यहाँ से ये बनेगा, अब दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से ये बनता है कि भाई ये बताइए कि इंसानों ने सबसे पहले जिस फसल या जिस अनाज की बुआई की थी या उसको उगाया था वो कौन सा था, दोनों में से कोई भी, जौ, 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 तो क्या है जौ, अंग्रेजी में बात करें तो बारले, ठीक है, तो ये चीज हो गया सबसे पहले, ठीक है। बारले में से सबसे ज्यादा रशिया है, और ये हाँ क्या कह रहे हैं, बारले तो शायद फर्स्ट रशिया है जौ के उत्पादन में, शायद शायद हम श्योर नहीं है उत्पादन में कौन है, तो प्रथम प्रयुक्त अनाज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, जौ, जौ हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरा पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, गेहूं, दूसरे नंबर पर अगर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, गेहूं, ठीक है, गेहूं। एक बात क्या है कि गेहूं में अभी एक बहुत हरियाणा और पंजाब में क्या कहते हैं कि एक बीमारी चल रही है, जिसकी वजह से जो है वो गेहूं के उत्पादन में, गेहूं की जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, रिजर्व में काफ़ी गिरावट आई है। जो बीमारी चल रही है गेहूं में उसको हम बोल रहे हैं येलो रस्ट, आपसे बीमारियाँ पूछी जाती हैं फसलों से संबंधित, तो गेहूँ की एक बीमारी को आप याद रखेंगे, इसे हम बोलते हैं क्या, येलो रस्ट। इसमें बेसिकली एक कवक होता है, एक फंगस होता है जो गेहूँ की
पत्तियों को पीला कर देता है। क्या कर देता है? पीला कर देता है। तो इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत ये है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल की मात्रा कम है। क्लोरोफिल की अधिकाई कारण ही पत्ता क्या होगा? हरा होगा। जब क्लोरोफिल ही उपस्थित नहीं होगा पत्ती में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि पौधा जो है वो विकसित नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये जो येलो रस्ट है ये इम्पोर्टेंट है, बीमारी जो कि गेहूं से संबंधित है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है ये भी याद, पंजाब। गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। और अगर चावल पूछेगा तो वेस्ट बंगाल में टिक जाओगे, यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। वर्ल्ड में तो चाइना, हाँ वर्ल्ड में चाइना, दोनों चावल और गेहूं दोनों में ही जो है वो चाइना जो है वो पहले ही नंबर पर है, और भारत भी दूसरे नंबर पर है। यानी कि गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान कहवा है दूसरा, और चावल के उत्पादन में कहवा है दूसरा, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है, तो ये हो गया जब दूसरी महत्वपूर्ण बात। अब अगर आपसे हम बात करें तो ये बताइए कि इंसानों ने सबसे पहले कृषि कार्य यानी कि खेती बाड़ी यानी कि जौ उगाने की जो क्रिया शुरू की होगी वो किस अवधि में शुरू की? पाषाण काल। यानी कि एक हमने बोला पाषाण काल तो होगा, लेकिन पाषाण काल को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया ना, कौन कौन से? पहला पैलियोलिथिक है जिसे हम पूरा पाषाण काल कह रहे हैं, मध्य पाषाण काल जिसमें हमने एनिमल रेयरिंग की, और फिर तीसरा नवपाषाण काल जिसे हम नियोलिथिक एज बोलते हैं। तो तीनों में से किस अवधि में जो है कृषि? नवपाषाण काल में इंसानों ने सबसे पहले कृषि कार्य प्रारंभ किया। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कृषि कार्य प्रारंभ, कृषि कार्य प्रारंभ तो आपको ध्यान देना होगा नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल में अगर एक बार आपसे अगर पूछ लेता है तो आपको बताना हो पता होना चाहिए कि नवपाषाण काल में ही आग का प्रयोग मानव द्वारा किया गया, यानी कि सबसे पहले जो आग का प्रयोग किया जाने लगा वो कब से? नवपाषाण काल से। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंसान यानी कि मानव सबसे पहले आग से परिचित कब हुआ, देखिए ये दो सवाल अलग अलग है, इंसान आग से परिचित कैसे हुआ, कब हुआ, और इंसानों ने उस आग का प्रयोग करना कब शुरू कर दिया। तो जो परिचित हुआ है वो हुआ है पूरा पाषाण काल, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सीधे से गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले आग से परिचित हुए हैं वो पूरा पाषाण काल में हुआ है, यानी कि पैलियोलिथिक एज में, यानी कि पत्थर का वो काल जो सबसे पहले शुरू हुआ तब इंसान क्या हुआ? आग से परिचित हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन आग का प्रयोग कब से किया जाने लगा? वो किया जाने लगा है कब? नवपाषाण काल। मतलब इसी पे भूल मान के खाने लगे। अभी इसके ऊपर एक हम हाइपोथेटिकल एक स्टोरी पे बात करेंगे जिससे आपकी थोड़ी सी जो है वो पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। चलिए सुनिए, जैसे कि मान लीजिए कि जो एवोल्यूशन थ्योरी कहती है तो उसमें क्या हुआ कि एक इंसान है पृथ्वी पर, और उस पर अगर हम बात करें तो जब वो पृथ्वी पर है और सामने कोई जानवर है उसके, पृथ्वी पर उसके सामने कोई जानवर है तो वो इंसान खड़ा हुआ है, सामने से मान लीजिए कि शेर है या कोई ऐसा जानवर जो भयावह है, जो खूंखार है, जो क्या कर सकता है? मार सकता है। तो वो आएगा और आ करके उस व्यक्ति को मार देगा, ठीक है। और उसके आसपास के लोगों ने देखा कि वो जानवर जब आता है हमारे पास में तो जो आदमी होता है वो कभी भी उठता नहीं है, वो उठ जाता है। तो जो दूसरे व्यक्तियों ने उस प्रक्रिया को देखा होगा तो उनको ये समझ में आया होगा कि अगर हमको ये जानवर दिखेगा तो हमको उसके सामने रुकना नहीं, हमें भागना होगा, यही तो सोचेगा आदमी ना। तो एक इंसिडेंट ये हुआ। अब दूसरा फेज क्या कह रहा है कि जब वो जानवर सामने कुछ लोगों के खड़ा हुआ, जिन लोगों ने वो घटना पहले देखी थी उस आदमी को मरते हुए, जैसे वो जानवर देखा तो ये लोग भागेंगे उसको देखकर, और वो जानवर इन इंसानों का पीछा करेगा। पीछा करते करते एक घटना ऐसी हुई कि वो जानवर किसी पत्थर से टकरा गया और वो जानवर मर गया।
टकरा करके मर गए, यानी कि ये जो वस्तु है ये कैसी है, ये काम की है, इसको उठा करके अपने पास रखो। तो इंसान किससे परिचित हुआ, पत्थर से परिचित हुआ। तो पत्थर को उसने क्या बना लिया, अपना हथियार बना लिया। अब ड्यू टू फ्रिक्शन, आग लगने के बहुत सारे कॉजेज है, जैसे कि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में बहुत भीषण आग लगी है, अच्छी बात, बहुत ही भयानक आग लगी। तो उस दौरान भी जंगलों में बहुत भयावह आग लगती थी, बहुत ही भयानक भयानक आग लगती थी। तो कुछ लोग, इंसान भी उसी में मर जाते होंगे, कुछ जानवर भी उसी में चल जाते होंगे। तो पहले क्या करते थे इंसान, कि उस पत्थर को जब वो जानवर दिखता होगा तो उस पत्थर से उस जानवर के ऊपर प्रहार करते होंगे, वो जानवर मर जाता होगा। उसके बाद में उन्होंने उसके मांस का, जो कि कच्चा है, उसका भक्षण करना शुरू कर दिया, कच्चे मांस का सेवन करना शुरू कर दिया, जिससे उनका पेट भरने लगा। अब क्या हुआ, जब एक बार आग लगी और आग जब ठंडी हुई तो उन लोगों ने देखा यार कि इस जैसी कोई घटना हो रही है, आग लगी हुई है, कोई घटना हो रही है, तो कोई कोई व्यक्ति अंदर भी गया होगा, जो जल गया होगा वापस कभी नहीं आया होगा। तो आदमी आग से परिचित हो गया। जब आग ठंडी हो गई तो वो उस जंगल की क्राइटेरिया में गए, क्षेत्र में गए, वहां पे देखा कुछ जानवर, मान लिया कोई शेर है, कोई कोई जानवर ऐसा है कि वो जल गया है, और जलने के बाद में उन्होंने उसके मांस का सेवन किया। उनको उस कच्चे मांस की तुलना में वो पका हुआ मांस अच्छा लग, स्वादिष्ट लगा। तब इन्होंने ये सोचा कि ये जिस जगह पर लगेगी, यानी कि आग, हमें वहां पर पहुंचना है और उसके ठंडे होने का इंतजार करना है, तब हमको अच्छा खाना मिलेगा। तो ये एक प्रक्रिया है जो कि नौ पाषाण काल में आपको आग से, आग का प्रयोग करवाना सिखा दी। ठीक है, तो इस चीज को एक हमारे द्वारा बनाई हुई कहानी किताबों में लिखी हुई, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। तो मनुष्य द्वारा पशुपालन का कार्य प्रारंभ किया मध्य पाषाण काल में, प्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो जौ है, दूसरे नंबर पर गेहूं है, और कृषि कार्य जो प्रारंभ हुआ है वो नौ पाषाण काल में हुआ है। आपका प्रयोग भी मानव द्वारा ही किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम आपसे बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इस क्षेत्र में कृषि का सबसे पहला एविडेंस या साक्ष्य हमको कहां से मिलता है। देखिए, पशुपालन का तो साक्ष्य हमने दो बता दिया, एक आदमगढ़ और एक बाघा। लेकिन अगर हम बात करें कि इंसानों ने सबसे पहले जो किसानी की शुरुआत की या खेती बाड़ी की शुरुआत की भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस क्षेत्र में की, तो आपको ध्यान में रखना होगा। बता सकते हैं कौन सा स्थान है जहां पर सबसे पहले हमको कृषि के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में गुजरात कृषि के प्रथम साक्ष्य है। सबसे पहला जो सबूत हमको मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो हमको हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में ही मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है संत कबीर नगर, नाम सुना होगा, जिसका हेडक्वार्टर है खलीलाबाद। उस संत कबीर नगर में एक जगह है जिसका नाम है लबुरा देव। क्या नाम है? लबुरा देव। ये लबुरा देव की एक ऐसा स्थल है जहां पर हमको भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ये नाम याद रखना है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य हमको कहां देखने को मिलते हैं, लबुरा देव। लबुरा देव कहां है? संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर कहां है? उत्तर प्रदेश में। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपसे पूछा जाए कि लबुरा देव के बाद कौन से स्थान पर हमको कृषि में सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं, तो उत्तर होगा आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में एक प्रांत है, वहां पर देखने को मिलता है। तीसरा बिंदु, तीसरा स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा कोलटिहवा। कोलटिहवा जो कि बेलन घाटी इलाहाबाद में देखने को मिलता है, बेलन घाटी इलाहाबाद में देखने को मिलता है, या प्रयागराज में देखने को मिलता है, या प्रयागराज में देखने को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले, और ऑप्शन में अगर लबुरा देव ऑप्शन में नहीं, देखिए संत कबीर नगर, बलूचिस्तान, बेलन घाटी, तो हमने आपको
जगह बता दी आपको, ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में इसी तरीके के टेढ़े मेढ़े नाम मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए भारतीय सामाजिक में कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले, और ऑप्शन में ये तीनों दिए हैं, तब टिक किस पर लगाएंगे, तब टिक किस पर लगाएंगे, किस पर लगाएंगे, इसीलिए हमने पहला प्रेफरेंस जो देगा वो पहले नंबर पे लोहरादेव को देना है, दूसरा प्रेफरेंस किस पर देना है, मेहरगढ़ पर देना है, और तीसरा प्रेफरेंस किस पर देना है, कोल्डिंग पर देना है। इस चीज को ध्यान रखें। मेहरगढ़ जिसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कही जाती है, यहाँ से हमको जो है एक मनुष्य के साथ की बकरी के दफनाने के साक्ष्य भी मिले, तो ये तो बहुत प्रक्रिया आगे की है, ये तो रसिक भाई आपको बताएंगे ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा ठीक है। नगर हेडक्वार्टर है इसका खलीलाबाद, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बेलन घाटी प्रयागराज है ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में आप रखेंगे ठीक है। हेडक्वार्टर खलीलाबाद में ही होगा, खलीलाबाद सतकबी नगर। अच्छा, अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, क्या उत्तर होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, भीमबेटका की गुफाएं ये किस राज्य में है, एमपी में, कहाँ है, एमपी में, पता होना चाहिए भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, एमपी में। अच्छा, एक 20 का नोट आया है नया पीले रंग का, उसमें कौन सी, एलोरा वो भी एमपी में, वो कहाँ है, महाराष्ट्र ठीक है। 10 रुपए के नोट पे किस चीज का अंतर है, मनुष्य के साथ
मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साथ दफनाने के साथ किस चीज के कुत्ते के दफनाने के साथ कहां से मिलते हैं आपको? बुर्ज घूम से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? बुर्ज घूम एक जगह है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और इसी बुर्ज घूम से हमें गर्त आवास यानी कि गड्ढे में बने घर भी प्राप्त होते हैं। गर्त आवास गड्ढे में घर की प्राप्ति हमको बुर्ज घूम से ही, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये रट लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन जो है हर बार जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में क्या नाम है भाई? गर्त आवास। हाँ, गर्त आवास यानी कि गड्ढे में घर की प्राप्ति हमको बुर्ज घूम से भी हुई है। पाकिस्तान पंजाब में रावी नदी के तट पर अवस्थित है हड़प्पा,
ठीक है अच्छा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो ये किस राज्य में है, ये पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रांत में है और किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। देख लीजिए तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, सिंध और सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, हाँ बताइए क्या कहते हैं, लरकाना, लरकाना भी एक है, लरकाना ये डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए, इतना डीप नहीं पूछेगा आपसे, केवल नदियों के बारे में ही पूछेगा और राज्य पूछ सकता है या देश पूछ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। पाकिस्तान के सिंध में सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट लिखेंगे कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, इंडिया में, हाँ इंडिया में कहाँ है, हरियाणा में, ये राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान, ठीक है राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है ये, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर, 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 घा आधा गा फिर घा और फिर रा, घग्गर, ठीक है चलिए ठीक है। ये हरियाणा में तो बहती है, हाँ हरियाणा में ऐसी नदी बहती है, अभी अभी उसी के लिए आए, उसी पे। नेक्स्ट है लोथल, लोथल, लोथल गुजरात, नदी लिख लीजिए, नदी क्या है, भोगवा नदी, कौन नदी भाई, भोगवा, भोगवा है, भोगवा ये सबसे ज्यादा स्थल है गुजरात में, सबसे ज्यादा स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, भोगवा, भोगवा नदी, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे रोपड़, रोपड़, रोपड़ बता सकते हैं, चावल के साथ से लेते हैं, नहीं नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से तो मनुष्य के साथ में कुत्ते के दफनाने के साथ जैसे गुरभोग में मिले वैसे रोपड़ में भी मिले, ये पंजाब में गोरखपुर होगा है? रोपड़ लिखे, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है, पंजाब में किस नदी के किनारे है, पंजाब में किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे मांडा, 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 मांडा कहाँ है भाई, ये मांडा कहाँ पे, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में, ये किस नदी के किनारे है, ये चेनाब नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, जो पुल बना था, हाँ चेनाब नेशनल वाला, ठीक है चेनाब नदी, ठीक है। नेक्स्ट है दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद ये किस राज्य में है, महाराष्ट्र में, हाँ इसीलिए वही क्वेश्चन है जो यहाँ से आपके हर एग्जाम में मिलेंगे। ये किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट लिखिए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश मेरठ, उत्तर प्रदेश मेरठ, आलमगीरपुर, पुर, पुर, कानपुर वाला, आलमगीरपुर मेरठ। कौन सी नदी है, हिंडन नदी, हिंडन, हिंडन नदी, ये हिंडन बेसिकली यमुना की सहायक है, गाजियाबाद से देखिए, हाँ गाजियाबाद नदी के किनारे हो सकता है। नेक्स्ट है लास्ट जो है वो है सुतकागेंडोर, सुतका, सुतकागेंडोर, 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 ठीक है। वो तो नहीं है जहाँ पाकिस्तान के साथ नहीं, वो तो सुपोटडा है, वो जो गुजरात में, ये सुतकागेंडोर है, सुतकागेंडोर कहाँ पे है, हाँ ये पाकिस्तान में है। नदी का नाम लिख लीजिएगा दाश्तू, दाश्तू, दा में पड़े आ की मात्रा, आधा शा शलजम वाला और का, ठीक है सुतकागेंडोर कहाँ पे है, पाकिस्तान, 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 बलूचिस्तान में नदी है दाश। देख लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर दक्षिण में कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो आपको चार स्थलों के नाम याद रखने, कितने स्थलों के, चार स्थलों, तो ये क्या हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, ठीक है। तो अगर आपसे ये बिंदु पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी जिसका नाम है मांडा, अभी मांडा लिखवाया कहाँ लिखवाया है, मांडा जहाँ अभी,
दस्ता 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 दस्
दोनों में ता दोनों में था वितस्ता ठीक है। नेक्स्ट वितस्ता के बाद यानी कि झेलम के बाद में चेनाब कश्चेनाब, ये उत्तर से दक्षिण क्रम में ही हम लिखवा रहे हैं चेनाब। चेनाब नदी का नाम पुराना क्या था? अस्किनी। अस्किनी नेक्स्ट नदी है रावी। रावी का कई बार नाम पूछा जा चुका है, तो इसका जो पुराना नाम है वो है परुष्णी। परुष्णी परुष्णी ठीक है। परुष्णी के आगे आप देख लीजिए यहाँ पर एक युद्ध हुआ था जिसको कई बार पूछा जाता है कि ये युद्ध जो है वो किस नदी के किनारे हुआ था। इसे बोलते हैं दशराग्नि युद्ध। दशराग्नि युद्ध यानी कि दस राजाओं के मध्य लड़ा गया एक युद्ध जिसे बोलते हैं दशराग्नि युद्ध। और ये दशराग्नि युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, यानी कि आधुनिक नदी का नाम है रावी नदी। तो महाभारत में होते हैं ये वैदिक कालीन की घटना की बात हो रही है, ऋग्वैदिक कालीन की बात हो रही है जिसमें राजा भरत कबीले के राजा सुदास होते हैं। तो वो अपना जो पुरोहित होते हैं वो पुरोहित विश्वामित्र को हटा करके किसको बैठा देते हैं? वो वशिष्ठ को बैठा देते हैं, जिससे विश्वामित्र काफी नाराज होते हैं और वो अन्य राजाओं के साथ में एक संधि कर लेते हैं और राजा सुदास को पराजित करने के लिए युद्ध लड़ते हैं रावी नदी के किनारे। लेकिन ये राजा सुदास जो है वो उन दस राजाओं को युद्ध हरा देते हैं, इस वजह से इसे दशराग्नि युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो परुष्णी नदी के किनारे में पड़ता है याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट नदी का नाम आप लिखेंगे व्यास। व्यास 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 नदी का पुराना नाम क्या था? विपाशा। ठीक है, नेक्स्ट सतलज नदी। सतलज नदी सतलज नदी सतलज नदी सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? शतुर्थी। सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? शतुर्थी। शतुर्थी ठीक है, शतुर्थी ठीक है। इतने ध्यान में आपको रखना, इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं रखना ठीक है। अब थोड़ा सा इन नदियों को हम अपने मैप पर देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा हमारा जो है वो इसका नदियों वाला भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये भी ये ना ये जो दिशा है ये ना चाहिए मार्केट में अभी पेपर इतनी प्राप्त हो रहा है पेपर इतनी प्राप्त हो रहा है पेपर इंग्लिश पे आता होगा इंग्लिश पे हाँ इंग्लिश हिंदी दोनों लगे
ये हमारा उत्तर भारत का हिस्सा, ठीक है। अब उत्तर भारत के हिस्से में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र बताइए, सिंधु नदी का उद्गम यानी कि उद्गम का मतलब होता है ओरिजिन, या फिर इसको हम सोर्स कह देते हैं, इसका सोर्स क्या है यानी कि ये नदी कहाँ से जन्म ले रही है। तो ये नदी का जो जन्म स्थल है आप देख रहे हैं कि ये हमारा भारत का उत्तरी क्षेत्र, इधर पाकिस्तान है, इधर आप देखेंगे तो आपको तिब्बत मिलेगा, और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये मिल जाएगा क्षेत्र आपको, ये हो जाएगा आपका क्या है नेपाल, ये हो जाएगा नेपाल, ठीक है। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भूटान, और बीच में कौन सा राज्य है, ये सिक्किम हो जाएगा, ये कौन सा राज्य है, ये सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में तिब्बत है, तिब्बत पर अधिकार किसका हो चुका है, चाइना का हो चुका है, यानी कि चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसी तिब्बत पर अवस्थित है क्या तिब्बत का पठार, क्या अवस्थित है तिब्बत का पठार, पठार को कहते हैं प्लेट्यू, क्या बोलते हैं प्लेट्यू, यानी कि तिब्बत प्लेट्यू कहां अवस्थित है, तिब्बत में अवस्थित है या चाइना में अवस्थित है। इसी तिब्बत प्लेट्यू के पास में ही आपको एक झील मिलती है, एक झील मिलती है जिस झील का नाम है मानसरोवर झील, क्या नाम है मानसरोवर, झील का नाम है मानसरोवर लेक, ठीक है। यही मानसरोवर लेक से एक नदी बहती है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आगे बढ़ती है, पाकिस्तान हो गया और ये नदी फ्लो करते हुए आकर के कहां गिर रही है, कौन सा सागर में, अरब सागर में, ये अरेबियन सी तो है, अरेबियन सी। और यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, कराची, कराची भी मिल जाएगा, कराची किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी की बैंक पर है, ठीक है। तो ये नदी जो बह रही है इस नदी का क्या नाम है, सिंधु नदी है, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं इंडस रिवर, क्या बोलते हैं इंडस रिवर। तो ये होगी आपकी इंडस, ठीक है। अब दूसरी नदी हमने अभी कौन सी, सबसे पहले कौन सी नदी बोली है, यानी कि झेलम रिवर जो है वो सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी हिंदी में बोले तो सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी नदी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी नदियां क्या होती है, यानी कि एक मुख्य नदी होगी, एक मेन रिवर होगी, उसी से सब नदियां कुछ स्मॉल रिवर होंगी, वो स्मॉल रिवर जाकर के अपना पानी उस मेन रिवर में जाकर के छोड़ देगी। लेकिन एक सवाल अगर हम आपसे पूछें तो ये बताइए कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन हो जाता है, तो जब गंगा और यमुना दोनों मिल रही है तो आगे का जो पानी बह रहा है वो गंगा ही क्यों है, यमुना क्यों नहीं है, सो सकते हैं कि नहीं सो सकते हैं। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को कि जब गंगा और यमुना संगम पर मिल रही है तो आगे का जो पानी बह रहा है वो पानी गंगा का ही है, यमुना का नहीं है, क्योंकि वो दूसरा है जो बीच में मिल गई। अच्छा बताइए कैसे बताइए, सोचिए। देखिए हमेशा याद रखिएगा जो मेन रिवर होगी उसका आधार तल यानी कि बेस लेवल जो स्मॉल यानी कि ट्रिब्यूटरी होगी उससे नीचे होगा, तभी तो ट्रिब्यूटरी जो आकर के उससे मिलेगी आकर के। मान लीजिए ये है गंगा, ठीक है, तो गंगा गंगा का आधार तल ये है, मान लीजिए गंगा है, ये गंगा है। अब यमुना को इसमें मिलना है तो जाहिर सी बात है कि इसका आधार तल गंगा से ऊंचा होगा तभी तो आकर के नीचे मिलेगी, गिरना पड़ेगा। छोटी नालियां जाकर के नाले में गिरती हैं तो क्या नालियां नाले के नीचे बनाई जाती है कि नाले के ऊपर बनाई जाती है, नाले के ऊपर बनाई जाएगी ना,
तो उसका पानी नाले में जाकर गिरेगा। तो ठीक उसी तरीके से जो भी मुख्य नदी होगी उसका आधार तल जो ट्रिब्यूटरी होगी उसके नीचे ही होगा, ठीक है, तभी तो जाकर के वो अपना पानी छोड़े। यानी कि मुख्य नदी ये है और सहायक नदी ये आकर के मिलेगी, यानी कि ये ऊंची होगी मेन रिवर के, यानी कि गंगा जब तभी तो मेन मेन नदी होती है उसका पानी आगे रहता है। हाँ, तभी तो आप डिफाइन करेंगे कि ये नदी मुख्य है और ये नदी उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो उसी तरीके से सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी भी क्या करता है, ये सिंधु नदी में कई नदियां जाकर के गिरती है। उसी तरीके से एक नदी जिसका नाम हो गया मैं आपको बोला है झेलम नदी। ये झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सी ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर यानी कि पैरेलल बहती है। पैरेलल तो वैसे ही कुछ दूरी तक ऐसे भी प्रश्न पूछिए, कभी पूछा नहीं गया लेकिन ये पूछा जा सकता है। झेलम नदी, झेलम नदी जिसका भी हमने नाम विदस्ता लिखवाया है वो नदी, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, झेलम नदी हो जाएगी। ये किस राज्य से निकलती है, जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। हालांकि अब जम्मू कश्मीर राज्य में रह ही रहा है, वो क्या रहा है, एक केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो चुका है। अब झेलम के बाद में कौन सी नदी है, उसके बाद चेनाब नदी, चेनाब नदी बताइए, ठीक है, चेनाब नदी। देखिए चेनाब नदी की खास बात क्या है कि हिमाचल प्रदेश एक राज्य है और हिमाचल प्रदेश में आप एक दर्रा मिलता है। दर्रा मतलब समझते हैं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पास या गैप, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच में उबड़ खाबड़ रास्ता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दर्रा या गैप। तो उसी तरीके से एक दर्रा हिमाचल प्रदेश में आपको मिलता है, एक दर्रा मिलता है। इस दर्रे का क्या नाम है, इस दर्रे का नाम है बड़ा लाचाला दर्रा। क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा लाचाला दर्रा या रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा बड़ा लाचाला दर्रा या रोहतांग दर्रा ये किस राज्य में है, ये दोनों के दोनों एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पर एक नदी बहती है और एक नदी इधर से बहती भी आ रही है, यानी कि बड़ा लाचा ला के दोनों ओर से दो नदियां निकल रही, ठीक वैसे जैसे भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों के नदियों के संगम से क्या बनती है, देवप्रयाग से गंगा बनती है। उसी तरीके से ये दो नदियां हैं जिनके नदियों के संगम से एक नदी का जन्म होता है। इस नदी के जन्म को ही हम क्या कह देते हैं, चेनाब नदी। क्या कह देते हैं, चेनाब नदी, चेनाब नदी। झेलम और उसका दोनों मिला के, नहीं, झेलम तो इधर बह रही है, ये दो नदियां अलग अलग है। इन दोनों नदियों का नाम हम लिख दें, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा, ये भाई दो नदियां हैं, ये हिमाचल नदी, हाँ हिमाचल प्रदेश में, और ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है चंडी, हम और डीप नहीं जाना चाह रहे हैं, इसका नाम है तंडी, जहां पर ये दोनों नदियां जाकर के मिलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पे जाकर मिलती है, वहां से गंगा कहलाती है, ठीक। चंद्र और भागा दो नदियां हिमाचल प्रदेश में एक जगह है तंडी, वहां पे मिल जाती है, जिससे एक संयुक्त धारा निकलती है जिसका नाम होता है चेनाब नदी, क्लियर है। फिर ये चेनाब नदी कहाँ प्रवेश कर जाएगी, हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए पाकिस्तान में। तो भाई ये पहाड़ों के बीचों बीच से गई होगी, क्योंकि वहां में तो सब पहाड़ पहाड़ है, तो ठीक है, तो आपको चेनाब याद रखना है। चेनाब के बाद कौन सी नदी, चेनाब के बाद आपने बताइए रावी, रावी नदी, ठीक है। रावी नदी जो है बेसिकली यही हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा पड़ता है जिसका नाम अभी हमने लिखवाया है, क्या, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा लिखवाया है, रोहतांग दर्रा, हमने रोहतांग दर्रा यहाँ पर लिखाया। तो रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है भाई, रावी नदी है। क्या नाम है, रावी नदी नाम है, ठीक है। ये नदी निकली, ये नदी निकली, कौन सी नदी है, रावी नदी होगी, चलिए ठीक है, ये रावी नदी होगी। आपसे क्रम पूछा जाएगा, उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाइए, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, आपको याद रखना है नॉर्थ टू साउथ क्रम जो हम लिखवा रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। रावी नदी होगी, अब रावी नदी के बाद में जो नदी हमने लिखवाई वो कौन सा नाम है, ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास नदी की खास बात ये है कि ये
सिंधु नदी की एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु रिवर की एक ऐसी, इंडस रिवर की एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है जिसका जन्म भारत में ही होगा और इसका विलय भी यानी कि मर्जर भी भारत में ही हो जाए। बाहर कहीं नहीं, बाहर देखिए, बाकी नदियां देखिए, झेलम को देखिए, चिनाब को देखिए, रावी को देखिए, निकल भारत से लेकिन जा कहां रही है, पाकिस्तान में। लेकिन खास बात क्या होगी कि एक जगह हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है व्यास कुंड। क्या नाम है? व्यास कुंड। उस व्यास कुंड से एक नदी का जन्म होता है, उस व्यास कुंड से एक नदी का जन्म होता है जिसका नाम है व्यास नदी। जिसका नाम क्या है? व्यास नदी। और ये हिमाचल प्रदेश से पंजाब में जाती है और वहीं पर जाकर के एक नदी जो कि इसके नीचे बहेगी उसमें जाकर के मिल जाएगी। वो कौन सी नदी है बताइए? कौन सी नदी है? व्यास नदी। व्यास नदी मिल जाएगी उस नदी में। कौन सी नदी है इसके नीचे? कौन सी नदी बह रही है? देखिए बताया तो है, सतलज मिलेगी। सतलज मिलेगी। अब सतलज नदी का उद्गम देख लीजिए, मानसरोवर के पास से ही एक नदी बहती है, एक नदी और निकलती है जो भारत में इंटर करती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और व्यास नदी का पानी लेकर के और ये चेनाब सभी नदियों का पानी ले लेती है। अब देखिए झेलम नदी किसमें मिली जाकर के? बहुत बहुत बारीक चीज देखिएगा, झेलम नदी अपना पानी किसमें गिरा रही है? चेनाब। अब देखिए रावी नदी अपना पानी किसमें गिरा रही है? चेनाब में। व्यास नदी अपना पानी किसमें गिरा रही है? सतलज में। सतलज में, नीचे की सतलज है ना, सतलज में पानी गिरा रही है। अब ये सतलज व्यास का पानी आगे देगी और ऊपर से ये चेनाब झेलम और रावी का पानी लेकर के आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान में एक जगह पर थी जिसका नाम है मीठनकोट, यहाँ पर चेनाब और सतलज, ये सतलज ये जो नीचे वाली नदी है इसका नाम है सतलज, ये सतलज नदी इस चेनाब का पानी लेकर के इस जगह पर जिसका नाम है मीठनकोट, क्या नाम है? मीठनकोट, जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पर ये चेनाब और सतलज नदी मिल जाती है और जा करके यहाँ पर ये नदी मिल जाएगी और फिर यहाँ से बढ़ते हुए ये नदी अपना पानी जाकर के कहाँ मिला देगी? सिंधु नदी मिला देगी। और इसी सिंधु नदी के मिलने पर का जो स्थान है पाकिस्तान में इसी को हम बोलते हैं मीठनकोट, जो कि पाकिस्तान में। अब देखिए और सिंधु फिर सारा पानी लेकर के कहाँ चली गई? ये है इंडस रिवर का पूरा सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। अच्छा पूरा पानी अरब सागर में जाते हो? हाँ। अब आपने जो भी बात बोली थी कि इंदिरा कैनाल की बात, तो ये जो व्यास नदी है सतलज नदी में जिस जगह पे जाकर के मिलती है इसको बोलते हैं हम हरी के बैराज। हरी के बैराज। आपसे पूछा जाए व्यास नदी सतलज में अपना पानी कहाँ गिराती है? हरी के बैराज में गिराती है। और इसी जगह पर से ही क्या बना दी गई है? यही से बना दी गई वही तरह वाला कैनाल, यही से एक नहर निकाल दी गई जिसका नाम है इंदिरा कैनाल। ये जो लखनऊ में ये भी तो है? नहीं नहीं ये दूसरी एक्चुअली है, तो शारदा नदी की निकाल दी गई, ये राजस्थान में आपको मिलेगी, पंजाब से राजस्थान ये हो गया। चलिए ठीक, आज के लिए तय रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं।